कबीरधाम जिले में नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई। ये एफआईआर नक्सल संवेदनशील थाना रेंगा खार में दर्ज की गई। रेंगा खार गाँव के संगम चौक के पास ट्रैक्टर के कागजात नहीं देने के नाम पर प्रार्थी इतवारी पंचेश्वर से गोलू ठाकरे ने गाली गलौज और मारपीट की। घटना की शिकायत के बाद रेंगा खार पुलिस ने नए कानून के साथ गोलू ठाकरे के विरुद्ध धारा 296 351 ख के तहत मामला दर्ज किया है। एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि रात 12:05 में हमारे पास सूचना आई कि एक ट्रैक्टर के मालिक के साथ कागजात को लेकर लड़ाई झगड़ा और धमकी दी जा रही है। नए कानून के तहत फोन पर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 12:30 आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 और 351 के तहत एफआईआर दर्ज किया। भारत सरकार से निर्देश आए हैं कि आज सभी थानों में पर्व की तरह इसको मनाया जाएगा। सभी जगन प्रतिनिधियों को, लॉयर्स को, डॉक्टर्स को, फराफा को, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सारे सरपंचों से लेके सभी स्कूल के बच्चों तक, सभी को बुलाया जा रहा है। सभी को नए कानून के बारे में बताया जाएगा, उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। हमने अपनी जो है हर थाना क्षेत्र में हमारे रथ चल रहे हैं जो कि इसको हर कानून के बारे में बताएंगे। शहर में जगह जगह फ्लेक्सी पॉम्पलेट्स बांटे जा रहे हैं और जो भी व्यक्ति नए कानून के बारे में कुछ भी जानना चाहे वो कभी भी थाने आके या एसपी ऑफिस आकर जानकारी ले सकता है। 1 जुलाई 2024 8 दिनांक से भारत देश में क्रिमिनल लॉज में 3 महत्वपूर्ण कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो लागू हुआ है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के अति संवेदनशील नक्सल क्षेत्र रेंगा खार में रात में 12:05 को वहां पर सूचना आई कि एक ट्रैक्टर के मालिक के साथ कागजात को लेकर लड़ाई झगड़ा और धमकी दी जा रही है। नए कानून के तहत फोन पर सूचना मिलते ही त्वरित पुलिस वहां पर पहुंची और 12:30 उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 और 351 2 के तहत एफआईआर किया गया। संभवतः देश में पहला एफआईआर इस नए कानून की इनके अंतर्गत हुआ है। इस नए कानून में आप फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा आप शिकायत कर सकते हैं और उस पर 0 FIR या फिर EFIR किया जा सकता है। 112 कंट्रोल रूम को पॉइंट मिलते ही तुरंत साइट पर जाकर एफआईआर को किया गया और जो एक्यूज है उसको गिरफ्तार किया गया। नए कानूनों से सर्च एवं सीजर में ऑडियो वीडियोग्राफी की जाती है, पारदर्शिता आती है और निश्चित रूप से अब हम दंड से न्याय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जी, मेरा नाम इतवारी कुमार पंचेश्वर है। मैं ग्राम मोहन टोला का निवासी हूँ। मैं रेंगा खार में, हमारा ट्रैक्टर मोटर्स ब्रांच रेंगा खार कला में आयसर शोरूम में सेल्समैन का काम करता हूँ। कुछ पता कल 12:00 मेरे को निकलने वक्त, शोरूम से निकलने वक्त गोलू ठाकरे ने मिला और मुझे मारने पीटने का धमकी दिया और ज़बरदस्ती गाड़ी का कागजात के विवाद पर मेरे को धमकी दिया, माँ बहन की गाली दिया। उसके बाद मैं तस पस्तास रेंगा खार थाना में आके तुरंत रिपोर्ट दर्ज करवाया, जिसकी न्याय मेरे को तुरंत ही तुरंत मिल गया। इससे मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को न्याय जल्द